मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास पर आयोजित अतिथि विद्वानों एवं अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत में सहभागिता कर उनके हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का कार्य कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। ITI अतिथि प्रवक्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को कार्य दिवस की बजाय 50,000 रुपए तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। शासकीय सेवकों के समान अवकाश की सुविधा मिलेगी। अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आसपास महाविद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर राज्य वन शहीद स्मारक एवं चंदनपुरा नगर वन का लोकार्पण किया एवं वन महोत्सव में सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर हमने फैसला किया है कि वन रक्षा शहीदों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महावतों वन रक्षकों सहित वनों की रखवाली करने वाले मित्रों को CM हाउस बुलाकर उनके साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास कार्यालय समत्व भवन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 14 सितंबर को सागर जिले के बीना आगमन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास कार्यालय समत्व भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में स्थापित की जा रही आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची भव्य व दिव्य एकात्मता की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के लिए जारी तैयारियों की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखे के हालात से गुजर रहे मध्यप्रदेश में वर्षा की प्रार्थना स्वीकार करने पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की एवं प्रदेश के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधरोपण के क्रम में आज मौलशी का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज का पौधरोपण वन शहीद दिवस को समर्पित किया।